रूप में उसकी कह ला रहा हूँ। कई पेज आले हैं बना है गाली बना है हिंदी व्याकरण आली मैडम ने मैं बताऊंगा इन जरूरी बात करनी थी आप सबसे। एक जो कैंपेन चलाई जा रही है मेरे खिलाफ बॉयकॉट गुलजार छन्नीवाला करके मिशन लाडो करके, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। सारा का कहना है अभी गुलजार बाणा लाडो कह कर गाना में सेटिंग ने बतावा लाडो यो करा वो करा है, सबके अपने विचार हैं। कई कह भी बेटी ने लाडो कह जाए, कोई मानू कह जाए बेटी ने भी लाडो, मगर जब आप पता करोगे ना गूगल में भी पता करोगे तो प्यार था लाड में पली बड़ी लड़की ना लाडो कह जाए। अब मेरे भाई अगर मैंने फौजी भाइया खातर अगर मेडल निकालिया है कन्या इज्जत निकालिया है तो इतना तो सेंस मेरे में होगा, ठीक है लाडो किसने कहा जाए कड़ा कहना है। दूसरी बात, यो गाना आया मेरा 2019 में आया जुग जुग जीवे, उसमें लाडो वर्ड कहा मैंने, वो बम्पर हिट गया सबना सुनिया हरियाणा में राजस्थान में हर जगह यूपी में उत्तराखंड में हर जगह बजा वो गाना, उसमें लाडो कहने लग रहा हूं मैं। किसी ने कुछ नहीं कहा ना किसी ने कोई आपत्ति हुई क्योंकि सबने बेरा था मैं उरा लाडो किस तरह कहने लग रहा हूं बेटी दी कौन कहन ला रहा प्यार ते पली बड़की कोई लड़की ने ये कहन ला रहा हूँ लाडो जुकर भाई ने और यार ने दोनों लाड लगे थे आप नहीं लाडो बेटी ने कहा जा है मानू इस बात ने मैं, पर प्यार ते पली बड़ी लड़की ने भी लाडो कहा जा है कहा मैंने किसी ने कभी नहीं कहा। उसके बाद 2020 में आया मेरा भगत, उसमें भी लाडो कहा मैंने था लाडो यार आले ब्याह में सैड सॉन्ग चल गया किसी ने कुछ नहीं कहा किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई लाइव नहीं आया कुछ नहीं बढ़िया 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 सुपर हिट गया गाना। 2021 में ही आठवां साल आया उसमें मैंने लाडो कहा किसी ने कि मैंने कहा अब उन गाना के 2 साल हो गए आए अब जाकर लाइव आवे हैं न्यू कहा तेने उन गाना में लाडो कहा था वो गलत है तेने हरियाणा की माटी कूट दी गुलजार आ रहे तो धिकार हरियाणा पाई हो वो फलाना दिमकाना। पहली बात तो मैं न्यू नहीं समझ आता ईब क्यों पहले क्यों नहीं, इस पर पहले मेरे पे केस भी हो लिया और वो रद्द भी हो लिया केस खारिज भी हो गया। तबे मैंने इससे पहले मेल भी आया था 1-2 राइटर का कि भाई ऐसे ऐसे हमें आपत्ति है इस चीज से, मैं उनकी बात ना समझा मैंने कोई नहीं चलो आपत्ति हो है आप रहने देंगे उसे खतरनाक नहीं, मैं फिर मैंने नहीं करे आगे आगे तो मैं बोले चलो नहीं करांगे भाई आगे तो इस वर्ड ने यूज कौन करांगे। पर तो मैंने देखा ही क्या 45 किलो का सामान ही होके हरियाणा की सियान बना होगा नहीं, एक अंकल है वो 45 किलो का गया गर्म ने, मेरे बाबू ने कहा था भाई बेटा जो समझानिया होगा ना वो या तो तने नाम लेकर समझा दे न्यू कर दे, जो तने इस तरीके का कुत्ता कहेगा न्यू कह के समझा होगा ना समझाओ भी कौन तेरा बारे में बोलेगा सो समझ जाते था खार खावर गुंडी खावे है खार उसने मतलब नहीं तो कुछ भी अच्छा कर ले वो तेरी टांग खिंचा खिंचेगा। फिर सिर्फ मैं क्यों सारे कलाकार ने कितना कितने बुंडा बोल रखे है भाई मन्ना कदे ढूंगा पे चोटी को नहीं लवाई ठीक है, उसका बाद सारे कलाकार के हैं भाई ये काम ठीक है, उसका बाद इसे इसे शब्द बता दूंगा लाल कुर्ती में बदन आर माल पटोले वे ना के तब मन्ना कहो ना अगर तो तुमने करना ही है बहुत बढ़िया बात है करन लाग रहे हो तो, अगर हरियाणा की संस्कृति का बचाव करन लाग रहे हो बहुत बढ़िया बात है मैं भी क्यों करना चाहिए। मैं भी शुरू में यही सोच के आया था कि उरा जो ये चीज चल रहा है ना इसे गाने बनाऊंगा जो परिवार का आगे देखे जा सके, इस खातर बच्चा बच्चा मेरे गाने में सुना है उनमें कोई गंदा वर्ड नहीं होता कते ना कोई गंदी अश्लीलता दिखाता मैं, चाहे गाना मेरा पिट जाओ किमें हो जाओ मैं कदे भाई छोरी या किमें नहीं नचाया मैंने। उसका बाद फिर भी टारगेट मैं कोई बंदूक वाले गाने बनाए हैं तो टारगेट गुलजार, कोई लाडो कह दे हैं तो टारगेट गुलजार, अगर अच्छा कह दे हैं तो बाकी कलाकार अबूरा कह दे तो गुलजार, इसका क्या मतलब है तुम इस बात का जवाब दो मैंने। पहली बात तो मैंने गलत लिखा नहीं
अगर लड्डो लिखे प्यार तो पहली बड़ी लड़की का रूप में उससे दिखाया, लोगों ने समझ भी आया, जिद किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी ने भी ऑब्जेक्शन आज तक नहीं उठाया इस बात का, क्योंकि सब ने बेरा था मैं किस रूप में उसकी कहने ला रहा हूँ। कई पेज आले हैं, बना है गालिब, बना है हिंदी व्याकरण वाली मैडम ने, मैं बताऊंगा इन्हें।